प्रदेश अध्यक्ष को हृदय की गहराइयों से बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका यह कार्यकाल बहुत ही सफल हो, आप यशस्वी हो और आप बिहार भाजपा को और आगे चोटी तक पहुंचाने में सफल हुई, अपनी शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से 25 वर्षों से अधिक का संबंध और एक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता के बाद संगठनकर्ता, संगठनकर्ता के बाद क्षेत्र के जनता के नेतृत्वकर्ता, नेतृत्वकर्ता के साथ प्रदेश का संगठनकर्ता और वर्षों तक पार्टी के संगठन के लिए झोला लेके कहीं भी जाके काम करने वाला। और विगत वर्षों में तो मैंने देखा केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास का जो इन पर विश्वास था, देश के विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हुए, विभिन्न राज्यों के चुनाव में इनको अलग अलग क्षेत्रों का प्रभारी बना के भेजा गया। आप पर केंद्रीय नेतृत्व का जो विश्वास सदैव बना रहा, आज वह स्पष्ट रूप से हम सब लोग के सामने दिख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर विश्वास जताया और आपको प्रदेश अध्यक्ष की महती जिम्मेवारी दी है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और सभी केंद्रीय नेतृत्व के अपने नेताओं का, कि एक कुशल कार्यकर्ता और संगठनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, जनता का भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने निवर्तमान अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का। आपका जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्यकाल रहा। आपने जब अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभाली थी उस वक्त निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने संगठन को आगे बढ़ाने की एक महती चुनौती आपके कंधों पर थी और आपने बहुत ही जिम्मेवारी के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाया बल्कि एनडीए गठबंधन को भी आपने मजबूत करने का काम किया और एनडीए गठबंधन को इतनी मजबूती आपने दी कि आपके अध्यक्षीय काल में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जनता की सेवा के लिए सरकार में आया और आज आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विधानमंडल दल संपूर्ण रूप से सरकार के साथ और पूरी पार्टी आज जनहित के काम में लगी हुई है। आपका यह कार्यकाल अविस्मरणीय होगा, हम सब लोगों के लिए बहुत यादगार होगा और आप अपने आगे के जीवन में इसी तरीके से सफलता प्राप्त करते रहें, यह हमारी शुभकामना भी होगी। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। मैं आग्रह करूंगा मंच पर अभी कृपया पुष्प देने के कार्यक्रम को थोड़ा स्थगित रखा जाए। अभी जब यह कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद दिलीप जी को हम लोग आपकी सेवा में समर्पित करके जाने वाले हैं। दिलीप जी यही मंच पर आने वाले हैं, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग पूरा मिलिएगा, शाम तक यही दिलीप जी रहने वाले हैं। मैं ये कह रहा था, दिलीप जी आपको कह रहा था कि आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं, आपको हमको तो चारों अध्यक्ष का अनुभव का लाभ मिला था, आपको 8 अध्यक्ष के अनुभव का लाभ मिलेगा, हमको तो नंदकिशोर, हमको 5 का लाभ मिला, आज एक हमारे बीच नहीं है, हमको लाभ मिला नंदकिशोर जी के अनुभव का, सुशील जी के अनुभव का, राधा मोहन जी के अनुभव का, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के अनुभव का और गोपाल बाबू के अनुभव का। आज हम लोगों के बीच सुशील मोदी जी नहीं है लेकिन 4 लोग आज हम सब लोगों के बीच हैं, हमको उनका लाभ मिला और आपको तो मेरे भी अनुभव का लाभ मिलेगा, नित्यानंद जी के भी अनुभव का लाभ मिलेगा, संजय जायसवाल जी के भी अनुभव का लाभ मिलेगा, सम्राट चौधरी जी का भी अनुभव का लाभ मिलेगा, तो हमसे दुगुना लाभ आप कमाने वाले हैं और दुगुना ताकत आपके पीछे खड़ा रहने वाली है। हम सब लोग आपके हर एक आदेश पे आपके पीठ के पीछे खड़ा रहेंगे और बिहार का लाखों कार्यकर्ता आपकी एक आवाज पर भारतीय जनता पार्टी के झंडा को लेके आगे जहां भी बढ़ने की जरूरत होगी बढ़ने का काम करेगा और निश्चित रूप से 2025 में एक अपार बहुमत की एनडीए की सरकार, जो लक्ष्य आप लोगों ने तय किया है आदरणीय सम्राट चौधरी जी के अध्यक्षीय काल में जो लक्ष्य तय हुआ है कि हम अगली बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में 220 से अधिक सीटों को जीतने का काम एनडीए के साथ करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे, इस बात का पूरा विश्वास
और भरोसा हम सब लोगों को है अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपको एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद, नमस्कार।